आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक बुढ़िया माई की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार गणेश जी महाराज धरती पर लोक भ्रमण के लिए निकले। धरती पर पहुंचकर घूमते घूमते वे थक गए। उन्हें भूख भी लग रही थी। कुछ भोजन प्राप्त करने की इच्छा से गांव में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। सेठानी ने दरवाजा खोलकर उनसे पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए? इस भरी दोपहरी में क्यों नींद खराब करने आ गए हो? गणेश जी महाराज ने कहा, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए। सेठानी गुस्से से बोली कि आपको अपने साथ घर से कुछ नाश्ता लेकर चलना चाहिए था। यहाँ आकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? यह कहकर वह पैर पटकती हुई चली गई। गणेश जी महाराज थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर एक बुढ़िया माई मिली। जैसे ही उसकी दृष्टि गणेश जी महाराज पर पड़ी, उसने हाथ जोड़कर कहा कि आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, हमें भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी महाराज को भोजन कराने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और वह लोटा लेकर बाहर जाने लगी। गणेश जी महाराज के पूछने पर उसने कहा, मैं दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। गणेश जी महाराज ने उसे पहले अपनी झोपड़ी में देखने को कहा। घर के अंदर आने पर बुढ़िया माई ने पाया कि उसका भंडार तो सब चीज़ों से भरा हुआ है। उसने झटपट खीर बनाई और दोनों और गणेश जी महाराज को परोस दी। गणेश जी महाराज उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आपके खाने के बाद भी बहुत सी खीर बच गई है, इसका क्या करूं? मैं तो निसंतान अकेली रहती हूँ। एक बेटा था जो बहुत दिन पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतनी बूढ़ी हूँ, कितना खाऊंगी? गणेश जी महाराज ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जब थोड़ी देर बाद गणेश जी महाराज के कहने पर उसने आंखें खोली तो उसका पूरा परिवार आंखों के सामने खड़ा था। बेटे बहू पोते पोतियों को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह गणेश जी महाराज का धन्यवाद करके कहने लगी कि प्रभु, एक समस्या है, इतने सारे लोगों को इतनी छोटी सी झोपड़ी में कहाँ रखूंगी? गणेश जी महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो। यह कहकर उन्होंने झोपड़ी को अपने पैरों से स्पर्श किया तो वहाँ एक महल खड़ा हो गया। बुढ़िया माई का चेहरा चमक उठा। उसने निश्चय किया कि वह खीर के प्रसाद के रूप में सबको बांटेगी। बाँटते बाँटते वह उसी सेठानी के घर जा पहुंची, जहां गणेश जी महाराज पहले ही गए हुए थे। सेठानी ने बाहर आकर बुढ़िया माई के हाथ में खीर देखी तो हैरान होकर गई और बोली कि तेरे पास यह खीर कहां से आई? जरूर कहीं से चुरा कर लाई है। तेरे पास तो खाने को रोटी भी नहीं है, तो आज खीर कैसे पका ली? बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कुटिया में गणेश जी महाराज पधारे हैं, उनकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है।
सेठानी ने कहा, मेरे तो उन्हें नौटंकी वाला समझकर बिना भोजन कराए ही भगा दिया। इसका अर्थ यह हुआ, जो मेरे भाग्य में था वो तुझे मिल रहा है। मेरे घर खाने को अन्न भी नहीं बचा है, तुझे जो मिला वह मेरे हिस्से का है। मैं चाहती हूँ उनके पास और उनसे क्षमा मांगती हूँ। यह कहकर सेठानी घर से निकलकर गणेश जी महाराज को खोजने लगी। जब मिले तो वह उनके चरणों में गिर गई। वह बोली कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना बिना भोजन कराए मैं नहीं भेजती। मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आपने मेरे भाग्य का बुढ़िया माई को कैसे दे दिया? मेरे घर में तो कुछ नहीं बचा। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि मैंने किसी के भाग्य का फल दूसरे को नहीं दिया है, तूने भोजन कराए बिना ही लौटा दिया और बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम से खीर खिलाई। उसके प्रेम के कारण उसे धन महल और परिवार सब कुछ मिल गया। तेरी दुत्कार के कारण तेरा सब कुछ लूट गया। यह तेरे कर्मों का फल है जो तुझे मिला है। इस प्रकार गणेश जी महाराज ने उसको यह कहकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के घर में अन्न धन का सब कुछ भंडार भर गया और वह अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, जैसा आपने सेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो।